अस्सलाम वालेकुम आनस प्रेम जी, नई वीडियो में आपका बहुत बहुत वेलकम है। ये पार्ट सिस्टम कंप्यूटर बेसिक सीरीज था, जहां हम बात रहे थे सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है और कितनी किस्म का सॉफ्टवेयर होता है, देखिए। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर होता क्या है। देखिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करने दे रही है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी तो सॉफ्टवेयर में बहुत सारी इंस्ट्रक्शन होती है जो कंप्यूटर समझता है और उसे परफॉर्म करता है। सॉफ्टवेयर तो हम प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, तो ये लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं तो ये लोग प्रोग्राम कहते हैं, लेकिन दोनों चीज जो है वो एक ही है, चेंज नहीं है। अब मुख्तलिफ किस्म के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो मुख्तलिफ काम करने के लिए है और मुख्तलिफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कंप्यूटर में हमारी। अब कंप्यूटर जो है वो किस तरह वर्क करता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, देखिए। कंप्यूटर जो है वो उसी तरह वर्क करता है जो तो हम सॉफ्टवेयर उसमें चलाते हैं। सॉफ्टवेयर जो इंस्ट्रक्शन लिखी है वो उसी इंस्ट्रक्शन पर अमल चलता है और हमें रिजल्ट देता है। अब देखिए, मिसाल के तौर पे हमने VLC मीडिया प्लेयर ओपन किया, तो अब ऐसा तो नहीं है VLC हमने मीडिया प्लेयर ओपन किया तो फोटोशॉप हो गया, VLC ही ओपन हुआ ना, तो जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती है वो ही होता है। अब कंप्यूटर जो है वो बिना सॉफ्टवेयर के कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर ऑन होएगा यदि ना तो नज़र कुछ भी नहीं आए तो कुछ भी नहीं कर सकतेगा। तो इसलिए सॉफ्टवेयर जो होता है ये बहुत ज़रूरी है, ना तो सिर्फ कंप्यूटर के लिए बल्कि लैपटॉप के लिए और आपके स्मार्टफोन के लिए भी। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, देखिए दो किस्म के जो है सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आइए इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो ते कंट्रोल और मैनेज करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। तो अब इसका मतलब ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर तो इस्तेमाल करते हैं और उसे मैनेज करते हैं। मिसाल के तौर पे जो है डेटा सेव करना, डिस्क में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना और टेम्परेचर देखना, कंप्यूटर का CPU का क्या टेम्परेचर है, रैम का क्या टेम्परेचर है, ये सारे काम जो है ये हम सिस्टम सॉफ्टवेयर से कराते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसकी भी आधे तीन टाइप आती है। पहली टाइप जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारी जो है वो विंडोज आ जाती है, आप जो मोबाइल फोन में इस्तेमाल करते हैं स्मार्टफोन में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड आ जाता है और एक लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो पहला जो टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, और आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर किसी भी कंप्यूटर तो नहीं चला सकते। दूसरी टाइप है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये वो किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने में प्रॉपरली मदद करते हैं। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की जो मिसाल है वो सीट क्लीनर हो गया और ड्राइवर सॉल्यूशन पैथ हो गया, जो तो ये दोनों सॉफ्टवेयर जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है और ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को मदद करते हैं ठीक से चलने में। और तीसरी किस्म का जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो है डिवाइस ड्राइवर। देखिए, मिसाल तौर पर आपने विंडो इंस्टॉल की अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में, तो विंडो तो हो रही लेकिन साउंड नहीं आ रहा। अब इसका ये मसला होता है कि डिवाइस ड्राइवर यानी कि साउंड ड्राइवर जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से मिसिंग है, यानी डिवाइस ड्राइवर जो है वो हमारे सिस्टम तो भी और हार्डवेयर तो भी, यानी सॉफ्टवेयर तो भी, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर तो भी और हार्डवेयर तो भी दोनों तो मैनेज करते हैं। तो आपने साउंड ड्राइवर किया अपने कंप्यूटर में और आपका साउंड आ गया, तो कंक्लूजन ये हुई थे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो टॉप ऑफ द लाइन होता है, यानी तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो भी कंप्यूटर हो जाए, स्मार्टफोन हो जाए, लैपटॉप हो जाए, तो ये सब भी कंप्यूटर हो जाए, उसमें सबसे पहली लेयर होती है सॉफ्टवेयर की, वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और फिर डिवाइस ड्राइवर्स। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये खास काम तेरी यूज होती है। मिसाल के तौर पे ये क्या करती है, सिर्फ एक काम जो है उसे ही अंजाम देती है। अब बहुत सारे
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल है आज की डेट में मार्केट में। अब हर कोई आदमी जो है वो अपने हिसाब से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है, उसे जो सा सॉफ्टवेयर चाहिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिस काम दे रहे वो उस किस्म का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने अपने कंप्यूटर में वीडियो देखनी है तो आप VLC मीडिया प्लेयर का इस्तेमाल करे थे ना, तो आप क्रोम ब्राउजर या फिर ओपेरा ब्राउजर तो जो ब्राउजर का इस्तेमाल करे थे। लेकिन जब आपने इंटरनेट सर्फ करने हैं तो इंटरनेट इस्तेमाल करना है तो आप VLC मीडिया प्लेयर से तो नहीं कर सकते, तो उससे भी आप तो ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो हर एक पर्टिकुलर काम ही करता है, कोई दूसरा काम नहीं करता। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में। देखिए दो किस्म के जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, पहला है कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर और दूसरा है पैकेज सॉफ्टवेयर। देखिए कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर वो एप्लीकेशन होती है जो इसमें से एक ही प्रोग्राम हो। मिसाल के तौर पे आपका फोटोशॉप है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो उसमें यहाँ से इमेज तो ही एडिट कर सकते हैं ना तो वीडियो तो इसीलिए हमारा फोटोशॉप जो है और VLC मीडिया प्लेयर जो है इसमें एक ही से आता है हमारे पास सॉफ्टवेयर, उसमें एक ही प्रोग्राम होता है, तो इसीलिए ये जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर में फोटोशॉप। अब दूसरी किस्म के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो है पैकेज सॉफ्टवेयर। अब देखिए इस तरह से सॉफ्टवेयर होते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर जिसमें आपके पास सॉफ्टवेयर का सेटअप एक ही हो लेकिन इसमें बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम हो डिफरेंट काम करने के लिए। अब इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देखिए अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लैदा से डाउनलोड किया, एक्सेल लैदा से डाउनलोड किया, पावर पॉइंट लैदा से डाउनलोड किया। हाँ अब लैदा से डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन वो जो है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी वाले जो ज़्यादातर होते हैं बंदे काफ़ी ज़्यादा होते हैं नॉलेज टेक्नोलॉजी के बारे में वो लोग इस तरह करते हैं, आम यूजर जो है उसे इतना सब कुछ तो होएगा भी नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट का क्या होता है, मिसाल तौर पर हम बजाज CD लाई इंटरनेट से डाउनलोड किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, हमारे पास अब ए सॉफ्टवेयर है लेकिन उस ए सॉफ्टवेयर जब हमने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया यानी अपने कंप्यूटर में तो उसमें जो है बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम हमें मिलते। अगर हमने ऑफिस के पूरे प्रोग्राम चाहिए तो हमें डॉक्यूमेंट बनाने थे तो हमें उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिल गया, अगर हमें प्रेजेंटेशन देनी है तो उससे हमें पावर पॉइंट मिल गया, अगर हमने स्प्रेडशीट या फिर हिसाब किताब का काम करना है तो हमें उसमें एक्सेल मिल गया। तो ये सारे जो है ये एक ही सॉफ्टवेयर में हमें मिले तो इसलिए हम इसे पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो बस आज ये इतना ही, आज हमने बात की थी सॉफ्टवेयर क्या होता है और डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप तो समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आप तो ही भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ लीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब देने में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको मिल ऐसी ही नॉलेजेबल और इंफॉर्मेशन वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।